नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, जैसा आपको पता है, हम UP SSC पेट का जो एग्जाम आने वाला है उसका पेट मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, पेट का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ये पेट हो गया, SSC GD हो गया, NTPC हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसे मैं आपके लिए ये पार्ट लेके आ रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का। अब इसमें दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर जैसे बेसिक नॉलेज जिसको है वो तो जल्दी सॉल्व कर लेगा, अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, जैसे टेंस के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों टेंस की वीडियो हम जो लेके आ रहे हैं, आपको टेंस सिखा रहे हैं, तो उन वीडियोज को देखिएगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, सेंटेंस आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ देगा। तो दोस्तों, वीडियो को मिस मत करिए और स्किप भी मत करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो नॉलेज आपका गेन नहीं होगा। क्यों नहीं गेन? आप पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कैसे गेन होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो कोई भी देखिए, पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसका इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर से दोस्तों जो उसमें पोर्शन है उसके 5 क्वेश्चन है। कितने? 5 क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, द शॉपकीपर डील्स with grain but did not deal honestly with me। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द शॉप कीपर। आप हिंदी में बता देते हैं इसलिए क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द शॉप कीपर डील्स विद grain but did not deal honestly with me। द शॉप कीपर मतलब दुकानदार, डील्स माने व्यवसाय, लेन देन, डील करता है, निर्णय, डील करता है, लेन देन, विद मी, विद ग्रेन। अब यहाँ पर दोस्तों, विद ग्रेन का यूज कब होता है? विद, अगर आपने प्रीपोजिशन फिलअप करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हैं। डी में नो एरर, मतलब अगर कोई इसमें 3 में फॉल्ट नहीं है तो आपको नो एरर डी ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। अगर कोई इसमें फॉल्ट है तो वो वाला ऑप्शन, जैसे ए में अगर कोई फॉल्ट है तो ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बी में कोई फॉल्ट है तो बी वाला, अगर सी में कोई फॉल्ट है तो सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं फिर, द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील हॉनेस्टली विद मी, मतलब बेईमानी करता है जो दुकानदार है, हॉनेस्टली विद मी मतलब ईमानदारी से मेरे साथ डील नहीं करता है। कहता है एक शॉपकीपर है, एक व्यक्ति है जो कह रहा है मुझसे, एक आदमी है जो कह रहा है कि दुकानदार है जो मेरे साथ डील तो करता है। ग्रेन माने क्या होता? अनाज। ग्रेन माने क्या होता है? अनाज, ठीक है दोस्तों। और क्या? हॉनेस्टली माने ईमानदारी से, और विद मी, विद माने से या द्वारा, मी माने मुझसे, और डील्स माने लेन देन, और द शॉपकीपर माने दुकानदार। द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन But did not deal honestly with me। Option D है, no error। अगर कोई error नहीं तो option number D select करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कौन सा option आपको गलत दिख रहा है? तो दोस्तों, the shopkeeper deals with grain। तो दोस्तों, with क्या? जो with grain, अब grain के लिए क्या with use करेंगे? नहीं दोस्तों, क्या use होगा? By use होगा या in का use होगा? तो दोस्तों, in का प्रयोग जैसे हम देखते हैं, क्या दो में से एक यूज होगा? बाई या इन होगा। तो दोस्तों, इन का प्रयोग कब होता है? जैसे आई एम गोइंग इन द रूम, इन, इन का प्रयोग ऊपर पर के लिए भी होता है, एड का भी होता है, एड का प्रयोग प्लेसेज के लिए भी होता है, और इन का प्रयोग किसी अंदर, इनसाइड, इनसाइड आप, इनसाइड आउटसाइड आपने देखा होगा, इनसाइड किसी चीज के, वस्तु के अंदर, ठीक है दोस्तों, उसके लिए इन का प्रयोग होता है। लेकिन ये क्या है? डील्स विद ग्रेन, डील्स माने व्यापार करता है, लेन देन, और विद बाई होगा, क्या होगा? विद की जगह पे बाई होगा, ये कट होगा, बाई होगा, ठीक है, विद की जगह पे बाई का यूज होगा। अब दोस्तों, आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो
अगर क्वेश्चन की तरफ से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी फॉल्ट है। क्यों फॉल्ट क्या है? विद की जगह पर बाय का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका ये समझ में आ गया इतना? क्या किसमें फॉल्ट है? द शॉपकीपर डील्स बाय ग्रेन, जो शॉपकीपर दुकानदार है अनाज के द्वारा जो डील करता है, बट डिड नॉट डील हॉनेस्टली विद मी, डील तो करता है लेकिन मेरे साथ ईमानदारी से डील नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ गया। सेम टू यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें भी आपको एरर देखनी कौन से ऑप्शन में फॉल्ट है। तो दोस्तों पहला है, पढ़ते ही अपीलेड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, नो एरर। तो दोस्तों आपको पहले मैं हिंदी बता देता हूं, ही अपीलेड, ही माने वह या उसने, अपील माने, अपील माने क्या होता है, जैसे कोर्ट में लोग अपने जो होते हैं वो अपील करते हैं, क्या अपील मतलब प्रार्थना करते हैं, अपील मतलब प्रार्थना करते हैं, टू द जज, ही अपीलेड टू द, उसने जज को प्रार्थना किया या उसने जज से प्रार्थना किया या फिर उसने जज से माफी मांगी या उसने जज को मनाने की कोशिश की यूकन से, फॉर हिज रिलीज, उसने फॉर माने के लिए, हिज माने अपने, रिलीज, रिलीज मतलब बेल, बेल माने जमानत, तो फॉर अपने, फ्रॉम जेल मतलब जेल से अपने बेल या बरी होने के लिए उसने जज से अपील की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको राइट आंसर, ही अपीलेड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा या रॉन्ग होगा बताइए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एरर ही नहीं है, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्या ही अपीलेड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही शुड टेक ए फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ या टू का यूज होगा, यहाँ पे क्या जो डैश लगा है इस पे ऑफ या टू का यूज होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन केयरफुली पढ़ा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आप समझ में आ जाएगा तभी आंसर भी समझ में आएगा, हमें क्या फिलअप करना होगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो फिलअप भी करना समझ में नहीं आएगा और आंसर आप रॉन्ग कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ही शुड, अगर बच्चे कुछ और, मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर कुछ बच्चे से इंग्लिश मीनिंग इसका नहीं निकाल पाओगे फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा, आप आंसर नहीं सही, इसलिए मैं मीनिंग के साथ बताता हूँ, अर्थ के साथ हर पॉइंट का अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ आपकी, कि कोई ऐसा पॉइंट छूटे ना जिसका मैं आपको अर्थ ना बता पाऊँ। तो दोस्तों इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ और जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ही शुड टेक केयर डैश डैश हिज हेल्थ, ही मतलब वह, शुड माने चाहिए, टेक केयर माने देखभाल, हिज डैश हिज हेल्थ अपनी हेल्थ। अब टू का प्रयोग कब होता है? जैसे राम इज, जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो टू मतलब स्कूल को जा रहा है, अब इसमें कोई जा तो रहा नहीं है, है? तो क्या प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ही शुड ऑफ का के लिए, जैसे ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, क्या ऑफ हिज हेल्थ, राम इज गोइंग, हमने बताया जैसे सेंटेंस आपको बताया राम इज गोइंग टू स्कूल, एंड इन केस ऐसा जब केस होता है तो हम लोग टू का यूज करते हैं, लेकिन केस का है ही शुड टेक केयर दैट इज हिज हेल्थ, मतलब ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपनी स्वास्थ्य का, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए या देखभाल करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोनिम फॉर अपोलॉजी, विच, निम्न में से, हमने बताया था साइनोनिम माने क्या होता है, जैसे पर्यायवाची हिंदी में पढ़ा होगा वैसे साइनोनिम माने होता है क्या, पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइनोनिम
फॉर अपोलॉजी, अपोलॉजी माने में क्या होता है, जिसे अपोलॉजी माने प्रार्थना, ये अपील था आपने ये बताया था हमने अपील, अपील माने भी हमने बताया प्रार्थना है रिक्वेस्ट यू कैन से, बट ये अपोलॉजी माने क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रार्थना, क्षमा मांगना, क्या प्रार्थना करना या क्षमा मांगना। तो दोस्तों इसका ऐसा एक इसमें भी अर्थ होगा जिसका मतलब होगा अपोलॉजी या प्रार्थना करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हैड है पहला ऑप्शन ए है, और हैड का मतलब क्या होगा सभी को पता होगा, क्या होता है हैड माने होता है दोस्तों क्या, घृणा करना, और लव माने क्या होता है प्रेम करना, प्रेम करना। फिर एक्सक्यूज माने क्या होता है, हमने बताया कि अपोलॉजी में तो प्रार्थना करना और प्रार्थना पत्र करना, और एक्सक्यूज माने क्या होता है क्षमा करना, अपोलॉजी में क्षमा करना भी होता है प्रार्थना करना, ठीक है दोस्तों। तो एक्सक्यूज माने क्षमा करना या प्रार्थना करना, क्षमा पत्र लिखना, ऐसे यूज इनके से यूज हो सकता है ये, बट एक्सक्यूज माने कहा जैसे क्षमा करना, ठीक है दोस्तों। फिर क्लियर माने क्या होता है, क्लियर माने जैसे कोई आपने लिखा सेंटेंस, ये लिखा, ये सेंटेंस लिखा, फिर आपने इसको रब कर दिया, मतलब मिटा दिया इसको, तो मतलब ये क्लियर कर दिया, मैंने बोर्ड ये क्लियर कर दिया, कोई काम क्लियर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर का मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, क्लियर मतलब साफ भी होता है, क्लीन माने साफ होता है, सॉरी क्लियर माने क्या होता है, क्लीन माने साफ होता है, क्लियर माने क्या होता है बताइए, नहीं पता दोस्तों। क्लियर माने कट, क्लियर कट टू क्लियर मतलब हटा देना मिटा देना, क्लियर कट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर चौथे का क्या होगा, सी होगा, क्योंकि एक्सक्यूज माने भी होता है क्षमा पत्र मांगना या क्षमा मांगना, ठीक है दोस्तों। एक्सक्यूज माने क्षमा मांगना या प्रार्थना मांगना, प्रार्थना माने क्षमा भी होता है, मतलब इक्वल लाइक सेम एक्सक्यूज, ठीक है दोस्तों। तो इसका चौथे का राइट आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटोनिम फॉर ए बैरन, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से, इज माने है, एक है, इज माने है माने एक, एंटोनिम्स माने क्या होगा, हिंदी में सुना होगा विलोम शब्द, इसमें एंटोनिम्स माने इंटो मतलब विलोम शब्द ढूंढना है, आ फार मतलब फार माने केले, बैरन माने क्या होता है बंजर, बंजर जमीन आपने देखी होगी जिसमें कुछ उपज नहीं होता है, जैसे कोई फसल लगाओगे तो उसमें उपज नहीं होती, बैरन, बैरन माने बंजर जमीन, जिससे कोई उपज ना हो उसे बंजर कहते हैं, बैरन कहते हैं। तो दोस्तों एक ऐसा वर्ड इसमें होगा जिसमें उपजाऊ होगा, जिसका मतलब उपजाऊ होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए है अपना डेजर्ट। अब डेजर्ट माने क्या होता है, डेजर्ट माने दोस्तों जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, जैसे राजस्थान है, वहाँ पे रेगिस्तान बहुत है, वहाँ फसलें कम हुई थी, वाटर की आवश्यकता और खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। तो डेजर्ट माने क्या होता है बंजर, मतलब ये तो क्या हुआ साइनोनिम्स हो गया इसका, बैरन माने भी बंजर होता है जमीन और डेजर्ट माने भी बंजर ही होता है। फिर इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, फर्टाइल और इनफर्टाइल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है दोस्तों। तो इनफर्टाइल माने इसका मतलब भी बंजर होता है, इसका मतलब भी बंजर होता है और इसका मतलब भी बंजर ही होता है। और फिर ड्राई माने सूखा, ड्राई माने सूखा, कोई फसल हो सूख गई मतलब बंजर हो गया, खेत में पानी ना लगाओ बिल्कुल वो मिट्टी कंकड़ जैसी हो जाएगी, पत्थर मतलब, तो ड्राई माने इसका भी मतलब दोस्तों बंजर ही होता है। फिर आ गया फर्टाइल, तो फर्टाइल माने क्या होता है दोस्तों, फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, फर्टाइल माने क्या होता है उपजाऊ, और बैरन माने होता है बंजर। और हमें क्या बताना था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटोनिम्स फॉर बैरन, मतलब हमें बैरन बंजर का विलोम शब्द बताना था, बंजर माने होता है बैरन माने होता है बंजर और फर्टाइल माने उपजाऊ, मतलब आपका राइट आंसर डी होगा, क्या राइट आंसर डी होगा, क्यों, क्योंकि बैरन का विलोम शब्द फर्टाइल होगा। तो दोस्तों हमें लगता ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ हिंदी के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से केशव दास की रचना नहीं है,
दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप जो हमने हिंदी की ट्रिक्स बताई थी, सभी राइटर जितने भी मुख्य राइटर हैं उनकी सभी की हमने ट्रिक बताई थी क्या, जैसे केशवदास हो गए, तुलसीदास, सूर, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जितने भी मुख्य राइटर थे उनकी जितनी भी मुख्य रचनाएं होती हैं उनको सबको ट्रिक के द्वारा कवर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वो जो हमने ट्रिक्स बताई हैं वो यूपी बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्जाम्स में भी उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से केशवदास की रचना नहीं है, कवि प्रिया, ऑप्शन अपने पास कितने, चार, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, मधुशाला। तो दोस्तों जिसने जिसने भी वो रचनाएं पढ़ी होंगी उनको तुरंत कंफर्म हो गया होगा कि इसमें कौन सी केशवदास की रचना नहीं है। तो दोस्तों कवि प्रिया किसकी रचना है, ये केशवदास की रचना है, फिर रसिक प्रिया ये भी केशवदास की रचना है, रतन बावनी ये भी केशवदास की रचना है, और फिर मधुशाला, ये दोस्तों रचना केशवदास की नहीं है। क्या मधुशाला जो है रचना ये केशवदास की नहीं है, अगर केशवदास की नहीं तो किसकी है, तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन। कौन थे हरिवंश राय बच्चन, दोस्तों अभिषेक बच्चन के फादर, किसके, अभिषेक बच्चन या अमिताभ बच्चन, दोस्तों अमिताभ बच्चन के फादर थे और अभिषेक बच्चन के ग्रैंडफादर थे, मतलब दादा थे, अभिषेक बच्चन के ग्रैंडफादर दादाजी और अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय फिर बच्चन, हरिवंश राय बच्चन ये कहां के रहने वाले, ये दोस्तों इलाहाबाद के रहने वाले थे, इलाहाबाद के, और दोस्तों इनके पुत्र का क्या नाम, अमिताभ बच्चन, और उनके इनके पोते का क्या नाम, अभिषेक बच्चन, बहू का नाम क्या नाम, ऐश्वर्या राय, अब क्या हो गई ऐश्वर्या राय बच्चन, और पोती का क्या नाम है इनके, आराध्या बच्चन, कौन, आराध्या बच्चन। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है, निम्न में से केशवदास की रचना नहीं है, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, और दोस्तों ट्रिक के द्वारा भी हमने सभी राइटर्स को कवर किया है, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की मुख्य रचनाएं हैं, किसकी, मुख्य रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। दोस्तों आपका राइट आंसर पहले का डी होगा, क्यों, क्योंकि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, केशवदास की रचना नहीं है। दोस्तों अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो है, गुण संधि का उदाहरण है, क्या गुण संधि का उदाहरण है, सदैव जलोद वधूसौ रमेश, वधूसौ रमेश। तो दोस्तों गुण संधि की पहले आपको हमने ट्रिक बताई थी, गुण संधि पहचानने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, हमने बताया था आपको कहीं भी आपको छोटा ए या छोटा ओ या अर नजर आए, वो भी कहां, सेंटर में, तुरंत देखते ही टिक मार दो कि वहां पर गुण संधि होगी। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है, छोटा ए है या बड़ा है, उसमें बड़ा है, दो मात्राएं लगी हैं, इसका मतलब ये बड़ा ए है, फिर इसमें हमने कहा था छोटा ओ लेकिन इसमें बड़ा हो, मतलब ये भी गुण संधि का उदाहरण नहीं है, फिर वधूसौ, वधूसौ, तो ये इसमें भी हमने बताया था सेंटर में क्या, छोटा ए छोटा ओ या अर होना चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या है, न छोटा ए है न छोटा ओ है न अर है, मतलब ये भी गुण संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब रमेश जो है ये गुण संधि का उदाहरण होगा। तो कैसे पहचानेंगे, ये गुण संधि का उदाहरण है, आप हमने बताया सेंटर में आपको कहीं भी छोटा ए नजर है, एक मात्रा है मतलब छोटा ए है, सेंटर की बात कर रहे हैं, कहीं भी नजर आ जाए तुरंत देखते ही कंफर्म हो जाएगा आपका वहां पर गुण संधि है। तो आपका राइट आंसर दूसरे का डी होगा, क्यों, क्योंकि रमेश गुण संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों ये तीनों संधियां कौन सी हैं, तो दोस्तों हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी, कि आपको कहीं पर भी क्या क्या नजर आ जाए, बताइए, हमने आपको वृद्धि संधि बताई थी, कहीं पर भी आपको बड़ा ओ
या बड़ा ए नजर आए, सेंटर में नजर आना चाहिए। फिर मैं आपसे एक बार रिपीट करना चाहता हूं, कहीं भी आपको किसी भी संधि की पहचान करना बचाया जाए, अगर उनमें से किसी में भी संधि, जैसे चार पांच दिए हैं ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, उसमें से कहीं पर भी दो मतलब बड़ा ए और बड़ा ओ नजर आए, तुरंत देखते ही कंफर्म हो जाएगा या तुरंत देखते ही समझ जाओ कि वहां पर कौन सी संधि होगी। हमने बताया था वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बूढ़ा, यहाँ गुण संधि, इसलिए छोटा ए था बड़ा ए हो गया, छोटा ओ था बड़ा होगा, वृद्धि वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि होगी। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें ये क्या है, बड़ा ए है, बड़ा ए देख रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों क्या होगा, यहां पे वृद्धि संधि होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ा ए है, हमने बताया मतलब ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर ये जलोद हमने बताया बड़ा हो, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये भी वृद्धि संधि है। फिर ये क्या, वधु उत्सव, वधु उत्सव हमने आपको बताया था कहीं सेंटर में आपको क्या नजर आ जाए, ये किसके लिए, गुण संधि के लिए, ये वृद्धि संधि के लिए। फिर हमने बताया था आपको कहीं भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर सेंटर में नजर आ जाए तो देखते हैं वहां टिक मारो कि कौन सी संधि होगी। बड़ा हमने बताया बड़ा, बड़ी, बड़ा, तो वहां दीर्घ संधि होगी, वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मतलब ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपको समझ आ गया, इसमें राइट आंसर दूसरे का डी होगा, रमेश गुण संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ होगा क्या, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ होगा, नुकीला होना, पराजित कर देना। दोस्तों समझने कॉमन सेंस की बातें होती है, मुहावरे जो होते हैं कॉमन सेंस पे बेस हो, ऐसा तो है नहीं कि आप सभी मुहावरे पढ़ लेंगे रट्टा मार लेंगे, लेकिन इसमें पढ़ेंगे भी कुछ, अगर एक बार पढ़ा है समझा है तो दोस्तों आपको जब भी कहीं भी वैसा मुहावरा नजर आएगा तुरंत समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस आ जाएगा आपको समझने के लिए कि वो कौन सा मुहावरा, उस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। गरीबी में आटा गीला और आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोस्तों ये सब मुहावरे। अब इसमें आपको बताना है तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, पराजित कर देना है, सॉरी दोस्तों ये दे मिल गया, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर समझ लो। तो नुकीला होना, नुकीला तो होते लेकिन हम अपनी विशेषता बताए, जैसे तलवार हो गया एक व्यक्ति है, तलवार हो गया व्यक्ति, नुकीला होना ये तो मतलब धार तलवार के बारे में बता रहा है, तो तलवार के बारे में तो हमें जाना नहीं, तलवार की धार इसके बारे में बता, व्यक्ति क्या करता है उसका क्या अर्थ है। पराजित कर देना, व्यक्ति जो पराजित कर देता है दूसरे को, वो थोड़ी ना कर रहा है मतलब वो पराजित कर दे, तो ईर्ष्या करना ये भी घृणा हो गया। लेकिन तलवार की धार पर चलना मतलब स्वयं कठिन कार्य करना, आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि तलवार की धार पर मुहावरे चलने का मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ होगा कठिन कार्य करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार है निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, उसमें एक घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीन होंगे। क्वेश्चन है निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो पहला ऑप्शन गू, बाज, तुरंग, घोटक। घोटक माने क्या होता है? घोड़ा होता है। तुरंग माने क्या होता है? घोड़ा होता है। फिर बाज माने भी क्या होता है? बाज माने पता है क्या होता है? बाज माने भी दोस्तों घोड़ा ही होता है, इसका मतलब भी घोड़ा होता है। भू माने क्या होता है? भू माने दोस्तों घोड़ा नहीं होता है, मतलब आपका राइट आंसर चौथे का ए होगा, मतलब घोड़ा का पर्यायवाची भू नहीं है। तो भू का पर्यायवाची क्या होगा? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, ये सब किसके पर्यायवाची? ये पृथ्वी के पर्याय, भू, भूमि, धरा, भू, भूमि, धरा, ये सब दोस्तों पृथ्वी के पर्यायवाची, मतलब ये इसका भू के या पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, धरा होते हैं। ठीक है दोस्तों,
फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विवेकी का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द होगा, हमने अभी बताया था आपको पर्यायवाची बताया था इंग्लिश में का साइनोनिम्स माने पर्यायवाची, एंटोनिम्स माने विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों आपका इसमें विवेकी का विलोम शब्द होगा, देखना है कौन सा विलोम शब्द होगा विवेकी के लिए। तुच्छ, तुच्छ तो होगा नहीं दोस्तों, विवेकी तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ का दोस्तों विलोम शब्द महान होता है। फिर बहिरंग, बहिरंग भी नहीं होता, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? इसका होता है अतरंग। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है असीम, असीम का विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या होता है? ससीम। फिर अविवेकी, तो दोस्तों विवेकी का विलोम शब्द अविवेकी होता है। आपका राइट आंसर डी है, क्यों? क्योंकि अविवेकी का विलोम शब्द अविवेकी होता है। अगर ये पूछता अविवेकी का विलोम शब्द क्या होगा तो क्या होता? तो विवेकी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर पांचवे का डी होगा। तो दोस्तों हमें लगता है 5 क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, जिससे मेरे जो अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करें, कुछ बच्चे ऐसे हमने देखा है जो वीडियो को देखते तो पूरा है बट लाइक नहीं करते। एक दो व्यूअर्स ऐसे भी हैं अपने स्टूडेंट्स जो वीडियो तो पूरा देखते हैं बस लाइक नहीं करते हैं, ना तो शेयर करते हैं। हमने शेयर, ये अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो हम लोगों को पता चल जाता है ऐप से। तो दोस्तों यूट्यूब सारी इसकी जानकारी देता है, कौन लाइक करता है, कौन शेयर करता है और कौन कमेंट करता है, कौन वीडियो देख कर ही चला जा रहा है, ये भी पता चल जाता है हम लोगों को। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताया करें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की परतें हमने कितनी बताई थी? आपको 5 बताई थी। कौन कौन सी? एक दिन हमने क्वेश्चन कराया था कि पृथ्वी के बारे में ही, परतों के बारे में, तो टोटल परतें कितनी होती? 5 परतें होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो दोस्तों पहली बात आपको पता नहीं, ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत जो होती है वायुमंडल की कितनी परत है? पृथ्वी का दोस्तों जैसे पृथ्वी है इसकी भी परतें होती जमीन में, तो कितनी परतें होती? 5 परतें होती हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल मतलब आसमान जो है, आसमान जैसे खुला हुआ उसके कितनी परतें होती हैं? तो दोस्तों 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? 4 इसमें लिखी, एक और होती, 5 हो गई। तो दोस्तों अब दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में क्या ओजोन परत की होती है? किस दोस्तों 5 परतें हैं उसमें एक परत ऐसी है जिसमें ओजोन परत होती है, तो किस परत में, किस वायुमंडल में ओजोन परत होती है? तो दोस्तों समताप मंडल में। क्या? समताप मंडल में ओजोन परत होती है। अब दोस्तों ये ओजोन परत हमारे लिए क्यों जरूरी है पता है दोस्तों? क्योंकि ओजोन जो परत है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि जो सूर्य की किरणों से, जो सूर्य से हानिकारक किरणें या हानिकारक गैसें या कोई भी चीज आती है, तो जैसे अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उसको ओजोन परत रोक लेती है, जो ह्यूमंस के लिए, नेचर्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इसलिए समताप मंडल में जो ओजोन परत, ओजोन की परत होती है वो ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, नेचर के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए ओजोन परत की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होती, जैसे कहते हैं कोई पौधा होता है उस पर गर्म पानी डाल दोगे तो मुरझा जाएगा, ऐसा ही लाइफ समझ लो ह्यूमंस की हो जाती है, हो जाएगी।
इसलिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर नाभिकीय क्षरण जो होता है उसमें बहुत होता है ऊर्जा, तो इसके कारण इसमें जो ओजोन की परतें होती है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरण से जो क्या कहते हैं किरणों में जो मतलब हानिकारक कहते हैं रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन गैसें वैसे होती हैं, वो संताप मंडल रोकती है पृथ्वी पर आने के लिए, वायुमंडल, पृथ्वी की वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका राइट आंसर पहले का क्या होगा, बी होगा, क्यों, ओजोन परत संताप मंडल में होती। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास चार है, एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी और चौथा ऑप्शन नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ कर देते हैं नन ऑफ देट। ठीक है दोस्तों, या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, क्या, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन है, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है। तो दोस्तों किस महाद्वीप की सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है दोस्तों, क्या कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब महाद्वीपीय सेल्फ। तो पहला ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, अटलांटिक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा, विश्व के महासागरों में आर्कटिक महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है। तो दोस्तों आपको समझाते हैं महाद्वीपीय सेल्फ होता है, जैसे दोस्तों ये समझ लो जहां से समुद्र स्टार्ट हुआ, फिर यहां से जैसे पानी वानी भर गया, फिर ये ऐसे ऐसे पानी भर गया। ठीक है दोस्तों, ये सब वाटर भरा है, ये सब समुद्र में वाटर, बस ये यहाँ से समुद्र की धाराएं मतलब जैसे घाट कहते हैं जैसे ना, तो मतलब ये घाट, ये नीचे जमीन है, समुद्र के नीचे भी जमीन है, ऐसी बात नहीं जमीन नहीं है लेकिन है कहीं पर। तो जैसे ये पानी भरा हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस ये जो भाग है ये आला इसको कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्या, इसकी इस भाग को हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। तो ये बड़ा किसका पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा, ये जो सर्वाधिक चौड़ा किसका है, तो दोस्तों ये किसका है आर्कटिक महासागर का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय सेल्फ है। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर तीसरे का ए होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार है, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को, दोस्तों जैसे सूर्य होता है, ये सूर्य हो गया समझ लो। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें से किरणें निकलती हैं, ये किरणें निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, किरणें निकल रही हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है कोरोना, कोरोना बीमारी नहीं जो आजकल चल रही है, वो बीमारी नहीं है कोरोना, दूसरा ये परत है किसकी, सूर्य के सबसे ऊपरी परत पूछ रहा है, कोरोना, प्रकाश मंडल, ओजोन, क्रोमोस्फेयर। तो दोस्तों सूर्य के सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं, क्या, कोरोना कहते हैं। आपका राइट आंसर चौथे का ए होगा। अब दोस्तों इसमें सूर्य से इससे समझाते हैं, ये तो दोस्तों आपको पता है बहुत रेड है, कभी पीला हो जाता है, बहुत येलो हो जाता है। अब दोस्तों ये जो किरणें निकलती हैं इनमें से यहाँ पर भी एक परत बनती है, यानी इस परत को हम नहीं कहेंगे कोरोना, यानी लेकिन यहाँ पर भी एक परत बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व तो या पाया जाता पदार्थ, तो कौन सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या सबसे ज्यादा तत्व पाया जाने, हाइड्रोजन। अब दोस्तों इसमें ऊर्जा बनती कहते हैं, आपने सुना होगा न्यूक्लियर, क्या, न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब नाभिकीय संलयन, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, नाभिकीय
सूर्य में दोस्तों एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय शयन, जिससे सूर्य में ऊर्जा बनती है। क्या? जिससे सूर्य में नाभिकीय शयन एक प्रक्रिया होती है। आपने सभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा नाभिकीय शयन के बारे में, डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, नाभिकीय शयन एक प्रक्रिया होती है जिससे द्वारा सूर्य में ऊर्जा बनती है। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन हो गए। एक हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है दोस्तों, ये वाली जो परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। तो आपका चौथे का राइट आंसर ए होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? क्या है दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? रेगिस्तान। तो दोस्तों क्या नाम है? गोबी थार सहारा अटाकामा। तो दोस्तों एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है गोबी। क्या? गोबी। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों अगर आपसे कभी पूछ दे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है, क्या दक्षिण, ये तो हो गया एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम पूछा, तो आप कहेंगे गोबी। लेकिन अगर दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम पूछे तो आपका क्या होगा राइट आंसर? थार। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है थार। ठीक है दोस्तों, अगर एशिया का पूछे तो गोबी। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपको ये कमेंट करना जरूर कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तो मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णता लागू, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णता लागू हुआ, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णता लागू हुआ था? दोस्तों ऑप्शन ए अपना 1946, 1947, 1950। आपके पास ऑप्शन है 4, उसमें आपको बताना क्या भारतीय संविधान जो है किस दिन पूर्णता लागू हुआ था। तो दोस्तों कब लागू हुआ था ये? दोस्तों 1950 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारतीय संविधान? 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र भारत देश गणतंत्र कब हुआ था, तो कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है और आंसर उसका भी क्या होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णता लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है जो, भारतीय संविधान के किस भाग को, क्या भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय जो संविधान है उसमें एक ऐसा कौन सा भाग है जिसको आत्मा की संज्ञा दी गई? दोस्तों अपना जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा एक पार्ट है, ऐसा एक चैप्टर है जिसको क्या, सावर माने होता है आत्मा, आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों क्या है, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या प्रस्तावना, या संशोधन प्रक्रिया। तो दोस्तों कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों प्रस्तावना को, क्या प्रस्तावना को, भारतीय संविधान के में जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा गया। जैसे हम भारत के लोग, वी आर पीपल्स इंडिया, हम इंडियन लोग, या तो दोस्तों उसमें हम भारत के लोग मतलब जो होता है वही आपने पढ़ा होगा शायद। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को उसकी आत्मा को संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की। दोस्तों इसलिए आपका दूसरे का आंसर राइट क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा ने, क्या संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 1950, 1951, 1947, 1949। राष्ट्रगान के बारे में बताते जाने, तो जैसे राष्ट्रगान किसने लिखा था, राष्ट्रगान पहले होता क्या, जैसे जन गण मन अधिनायक जय, आपने सुना होगा सभी स्कूलों में होता है। दोस्तों ये कितने सेकंड का, 52 सेकंड का होता है, गाया जाता 52 सेकंड में गाया जाता, सॉरी। दोस्तों राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे दोस्तों।
बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ थे, बंगाल के थे दोस्तों। और इन्होंने किसकी रचयिता की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचयिता, राष्ट्रगान की रचयिता थी। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, राष्ट्रगान क्या है अपना, इंडिया का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है दोस्तों, ये अपने इंडिया का राष्ट्रगान है। अब क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, कब स्वीकार किया था, 1950 को, कब 1950 को, कौन, 24 जनवरी 1950, ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, ठीक है दोस्तों, संविधान सभा ने। तो अगला क्वेश्चन, इसलिए तीसरे का राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ए होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पहले बताते हैं मूल अधिकार लिए कहाँ गए थे, किस देश के संविधान से मूल अधिकार लिए गए थे, दोस्तों ये यूएसए, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो मूल अधिकार है वो लिए गए थे। अब इनकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों इनकी संख्या 6 है, कितनी है मूल अधिकारों की संख्या, 6 है, कौन कौन सी है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, संस्कृति, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, ये सब है मौलिक अधिकार, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, 6 होते हैं, कौन, फिर से एक बार बता रहे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए, इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या 6 है, और इसलिए आपका चौथे का राइट आंसर सी होगा, बी होगा, सॉरी, चौथे का राइट आंसर बी होगा। और दोस्तों क्या ये कौन कौन से है मूल अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म और संस्कृति, शिक्षा, ये सब मौलिक अधिकार कितने बताए, 6 होते, तो चौथे का राइट आंसर आपका बी हो गया, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, पहले दोस्तों ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब फिर संशोधन हुआ संविधान में, तब संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, तो दोस्तों 44वें, क्या 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।